तो आज का टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे डेकलाइन दिखा है रिपोर्ट्स की पेंडिंग में पेंडेंसी में सेकंड हमारे पास मेन पॉइंट एक स्ट्रेचुटरी बॉडी है आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर सेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इसमें और दस एडिशन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं असिस्ट करने के लिए टेन और तीन साल का होता है या फिर सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज एलिजिबल नहीं होते हैं दूसरी बार अपॉइंटमेंट के लिए इनको प्रेजिडें अपॉइंट करते हैं और सिलेक्शन कमेटी में पी होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसको पी अपॉइंट करता है फंक्शन यहाँ पे होता है कि इनको कंप्लाइंस इंश्योर करना है सभी डिपार्टमेंट्स में कि पी का हायरिंग uh, हो हर डिपार्टमेंट में पी आई ओ होना चाहिए पब्लिक इफार्मेशन ऑफिसर फॉर आर टी एप्लीकेशन पब्लिक रेड्रेसर के लिए काम करते हैं सो मोटो ले सकते हैं रीजनेबल ग्राउंड्स पे और सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं इश्यूज़ जो आर टी एक्ट के साथ है सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है सेकेंड इज पेंडेंसी ऑफ द सो मेरी ऑफ यू नो सो मैनी हाई नंबर ऑफ आर टी आई एक्ट्स थर्ड इज़ द लैक ऑफ पी आई ओज एंड दे ट्रेनिंग दे आर नॉट ट्रेंड इफ देर आर पी आई ओज एंड देर आर ऑल्सो लैक ऑफ पी आई ओज इन डिपार्टमेंट्स इन मैनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स फोर्थ अमेंडमेंट टू आर टी आई एक्ट रिसेंटली अमेंडमेंट हैपन एंड द सैलरी एज वेल एज द टेन्योर

एंड फोर्थ अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल डोंट नो एंड इस्पेसिफिक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मासज ओनली फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स नो हाउ टू यूटिलाइज दिस पर्टर एक्ट एंड फिफ्थ एक्सेसिबिलिटी पेनिट्रेशन इंटू मासिस बाई डिजिटलाइजेशन मीन्स हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसेंटली ऐसे कुछ इनिशिएटिव निकले हैं जिसमें ऑनलाइन आप हम अप्लाई कर सकते हैं और आर टी आई एप्लीकेशन ट्वेंटी फोर सेवन so, सो ऐसों को और बढ़ावा देने की जरूरत है